अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, आज की सहरी में हम खा रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं ये बात आई कहाँ से। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था सूजी का हलवा खाने को, वो भी मामा के हाथ का नहीं, मैं अपने हाथ का बनाना चाहती थी। लेकिन और मैं आज नहीं बनाना चाहती थी, मैं सोच कल के लिए प्लान कर रही थी, और मामा ने उठ के बना भी लिया सहरी में ही। तो ये देख सकते हैं आप, हलवा बैक कैमरे से खाती, इस तरह तो अच्छा नहीं लग रहा। मामा ने कहा हुआ थोड़ा बनाना था, लेकिन दादी ही थोड़ा बन गया। साथ में ये है जी हलवा, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। लेट्स सी मामा ने कैसा बनाया है। गार्निश तो मामा ने बड़े ज़्यादा बादाम डाल के बड़े अच्छे से किया है। तो रिव्यू देती हूँ आपको, फिर जो भी होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड मैंने टेस्ट किया, लास्ट टाइम ये हुआ था कि जो बेसन मामा ने डाला था ना, उसकी थोड़ी सी फुटिया टाइप या कुछ जो भी कह सकते हैं, वो इतना फ्लेवर तो नहीं आता था, लेकिन जो उसका टेक्सचर नहीं था अच्छा मुँह में। इस बार मामा ने बेसन डाला, लेकिन इट इज़ रियली वेरी गुड, मज़ेदार। फ्रेंड्स, हलवा खाते हुए मैं किसको मिस कर रही हूँ भला? फ्रेंड्स, मैं इस बच्चे को मिस कर रही हूँ, सोया हुआ, लेकिन ये जब उठेगा तब खाएगा। वैसे पेट तो नहीं फुल होता, तो हमने यहाँ पे बना लिए हैं आलू के पराठा। मामा को मैंने दे दिए, मामा ने खा भी लिए। मामा आप बताएं कैसा था आलू का पराठा? मामा, और फ्रेंड मैं आपको रेसिपी दूंगी, क्योंकि लोगों के आलू के पराठे कहीं से मोटे कहीं से पतले होते हैं, और अंदर से कच्चे और पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये आपने थोड़ा ये नोटिस नहीं करना, जो मेरा जल गया, ये तो आपके खुद, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप सही से पकाएं। मैं मामा को अंदर देने आई थी पराठा, तो अब तक ये जल गया। और यहाँ पे है मेरी मज़ेदार किस्म की छोटी सी चीनी वाली रोटी, जो छोटी प्लेट होती है ना उसके अंदर है, एंड होपफुली ये भी अच्छी बनी होगी। रिस्की भी रेसिपी मैंने आपको देनी है, लेकिन पेंडिंग हो जा रही है। सो लेट्स सी कब दी जाती है। और पानी भी है, ये है मेरा पानी, थोड़ा सा गिर गया, मुझे इसमें पीने की आजकल बड़ी आदत है, खाती हूँ। दैन जो भी होगा आपके साथ शेयर करते हैं। अभी से वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज एन एशियन डेट ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। मैं तो वैसे लग रही जैसे धुल रहे हैं कपड़े, यहाँ पे हो गई चादर सेट, सेट तो नहीं हुई, बस जड़ी है, सेट थी पहले ही। जेजी यहाँ पे बिस्किट खा रहा है, जेजी के लिए आज हमने बॉल लिया। जेजी बेचारा तंग नहीं करता, जेजी कहता बस मुझे मेरे साथ खेलते रहिए। ले बारी को फ्रेंड्स, बिस्किट बाहर निकल आया, जेजी की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक। बच 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 बच, ठीक हो गया बस जी। अच्छा जी। तो जेजी कहता है मुझे नई नई चीज़ें, तो मेरे साथ खेलो, मैं खुश रहूँगा हमेशा। तो हमने जेजी के लिए फाइनली बॉल ले लिया, काफ़ी टाइम से सोचते थे देखते थे, और फिर हमें होता था कि अब घर इसको कैसे लेके जाएंगे, इतना बड़ा भी बॉल नहीं है, लेकिन कैरी करना, शॉपिंग करनी होती थी। तो फाइनली आज हमने इसको ले दिया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बॉल हमने जेजी को लेके दिया, एंड जेजी इज़ नॉट रियली हैप्पी विद दिस। जेजी अपने दो छोटे टॉयज लेके दिए, उनके साथ खेल। जेजी खेलो खेलो, आई आई आई, चलो किक करो किक करो किक। फ्रेंड, जितनी देर में कपड़े धुल रहे थे, तो बाहर होने लग पड़ी स्नो, स्नो कह सकते हैं, पता नहीं फ्रेंड, ये बर्फ के गोले पड़ रहे थे लाहौर में, एंड इट वाज रियली वेरी कोल्ड। ऑब्वियसली ठंडे ही होते हैं बर्फ के गोले। और जेजी की आपको तबीयत नहीं ठीक, आपने पीछे देखा, इसको वो लगवाया हुआ था, क्या कहते हैं इसको, जो फ्रेंड बच्चे को जब सांस नहीं आता तो ये लगता है। मुझे अब एकदम से नाम भूल गया, जहन से निकल गया मेरे नाम। तो ये बर्फ़ के गोले आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपनी आंखों से देखी स्नो, वरना जब हम सो रहे होते हैं तब हो रही होती है, या कोई ऐसा टाइम होता है या किसी और एरियाज में हो रही होती है, हमारे एरिया में नहीं होती, हो रही होती। तो मैंने आंखों से देखी अपनी, इतना अच्छा लग रहा था कि स्नो, और ऐसे यकीन नहीं आ रहा था। हम यानी पहाड़ों में रहने वाले लोगों को तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल चीज़ लगती है, लेकिन जब आप
लाहौर या ऐसी सिटीज में रह रहे हो जहाँ पे बहुत कम होती है और सालों बाद होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे ही फ्रेंड्स हमें बड़ी बर्फ़ पसंद है, पहाड़ों में हम देखने जाते हैं, तो हमारी सिटी में थोड़ी सी हो जाए तो कमाल ही हो जाता। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऊपर से गिरते हुए जब मैं देख रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि ये शायद ज़मीन पे ही पड़े हुए हैं, जैसे कोई नकली चीज़ है, जैसे वो ये फ्रिज और एसी के डिब्बे से निकलती है वो वाइट कलर की कोई शीट होती है वो तोड़ते हैं, तो वो तो नहीं पड़ी हुई ज़मीन पे। लेकिन ये देखिए अभी आप नोट करेंगे, ये ऊपर से गिर रहे हैं जब, तो OMG मुझे तब यकीन आया कि ये सच्ची में बर्फ़ पड़ रही है लाहौर में और मेरे हमारे घर के सामने बिल्कुल। सो तो फ्रेंड ये बड़ा ही अच्छा दिन गुजरा जब आप सुबह उठते ही बर्फ़ देख लें और अपने घर के सामने। अगेन कह रही हूँ तो ईद आने से पहले ईद हो जाती है आपकी। तो पारा करना आ गया, पहले चीख से चीख लगाता था, फिर उसके बाद अजीब तरीके से पारियां करता था। अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करेगा। अच्छा अच्छा पारा अल्लाह मेरे का फिर पारा करने वाला।